एफटी बबल है। प्रकाश दीवान सर, जब हम लोग इस शो की अवधारणा बना रहे थे सुबह, प्लान कर रहे थे कि तो ये हुआ इसका नाम क्या रखा जाए, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब से, हमारे जो बॉस है उनसे हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि इसका नाम रखा जाए, कब तक गिरेगा। फिर सोचा नहीं कितना गिरेगा, फिर यह नहीं क्यों गिर रहा है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में आता है, जो पूछते हैं हम लोग, भाई क्यों गिर रहा है, कैसे बताऊं उनको क्यों गिर रहा है, कितने दिन तक गिरता रहेगा। तो ये मैंने सोचा इन सब सवालों को बंडल करके मैं आपसे ही पूछ लूं कि ये पूरी जो सिचुएशन है इसमें बॉटम ढूंढने की हम कोशिश नहीं कर रहे, हम इस सिचुएशन को समझना चाहते हैं, हमारे दर्शक समझना चाहते हैं कि ये हो क्या रहा है। देखिए, अब पता नहीं कोई कहता है कि महंगाई की वजह से, महंगाई क्यों हुई है, क्योंकि सप्लाई शॉर्ट हुई। सप्लाई क्यों शॉर्ट हुई, क्योंकि युद्ध शुरू हो गया। युद्ध क्यों शुरू हुआ, क्योंकि वो जमीन का झगड़ा। आप समझ नहीं आता कि कौन सा छोर पकड़े हम। तो आप इस सबको समझाइए कि ये चल क्या रहा है इस समय दुनिया में। नीरज भाई, देखिए सारे जो परिबल है, सारे फैक्टर्स हैं, इनका असर आपको मार्केट पे दिख रहा है और दिखना चाहिए भी। इनफैक्ट आई विल बी डिसअपॉइंटेड कि अगर कोई बहुत बड़ी चीज हो रही है विश्व में और उसका उसकी असर नहीं दिखती मार्केट पे, तो कुछ कहीं ना कहीं वो मामला थोड़ा और भी कॉम्प्लेक्स पेचीदा हो जाता है। और जब असर आती है तो वो दोहरी आती है या बड़े उससे आती है। तो ये जैसे अभी अग्रवाल साहब समझा रहे थे कि हमने इतने एक्सेसेस देखे हैं इन द पास्ट, कि विश्व भर में जो सेंट्रल बैंक्स ने बड़ा आसान तरीका अपनाया और नोट छापना शुरू कर दिया 2020 में, उसका आज हम भुगतान कर रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि अगर कोई भी चीज, अगर आपके पास जैसे खाने का सामग्री की एक एक छूट के बिना, एक कोई हद के बिना आपके पास सप्लाई बढ़ जाती है, तो आप क्या करते हैं? बदहजमी तो होगी, या ज्यादा खाएंगे या बिगाड़ेंगे या कहीं ना कहीं रखते रहेंगे, और बाद में जब खाना बिगड़ना शुरू होगा तो तकलीफ देगा और फिर शॉर्टेज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज जो है ये वही उसके बहुत सिमिलर उसमें है। लेकिन एक चीज, ये जो आपने टाइटल रखा है रेलवे, बहुत बढ़िया रखा है। मैं नॉर्मली यही सोचता हूँ कि इस टाइम में जो प्रोग्राम्स आप लोग करते हैं उसमें एजुकेशन इस चीज का होना चाहिए कि ये मार्केट का बहुत ही इंट्रिंसिक एक नेचर है कि मार्केट में जितना जब ऊपर जाता है तो नीचे भी आता है। अगर नीचे नहीं जाएगा तो नए इन्वेस्टर कैसे आएंगे? आप और मैं इन्वेस्ट करने की सलाह जो देते हैं हर साल, वो 18,400 रुपये तो दे नहीं सकते। कहीं ना कहीं आपको 14,000-15,000 की भी एक एक वो बारी लगानी है। और जब इस टाइप की कंपनीज, अच्छी कंपनीज के बिजनेसेस आपको पता है, और सारे टाइम हम लोग क्या करते हैं एज एनालिस्ट या एज मार्केट वॉचर्स, हम सारे टाइम कंपनीज को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कंपनी तो आपने चुन के रखी हुई है, सब कुछ अच्छी कंपनी आपके नजर में है, सेक्टर आपकी नजर में है। अब मार्केट ने आपको एक मौका दे दिया कि बिजनेस ज्यादा खराब हुए बिना भाव कम कर दिए, तो जो पी मल्टीपल है उसमें आपने प्राइस की रिडक्शन देखी। जो अनुराग कह रहे थे कि अब अर्निंग्स पे भी एक थोड़ी बहुत आंच आएगी, यस आएगी, और वो काफी हद तक आना शुरू हो चुकी है। तो जब पी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो भाव तो उसका आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो मजबूत होती जाएगी, है कि ना? आप महंगे में कोई चीज नहीं ले रहे, लेकिन उसकी क्षमता आगे चल के कमाने की जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। और एक एक छोटा सा, आई जस्ट लीव यू विद दिस थॉट, 2000 के साल से 20 साल देखें जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग के, खास करके जो मुद्दे वाले जो पीरियड की बात करें, इन 20 साल में जब जब मार्केट ने 20-25% वो खोया है लेवल, चाहे वो 2000 हो, 2008 हो, 2017 के आसपास, 2013 के आसपास, 2019-20 और 20 के बाद अभी जो हुआ है, उसके बाद मार्केट ने हमेशा 60-70% बढ़त हासिल की। तो ये नहीं है कि मार्केट निफ्टी गिरी है तो गिरी ही रहेगी, जब जब गिरी है उसके बाद वो ऊपर जाने की क्षमता भी उसके पास ज्यादा आती है। आप अगर ग्राफ देखेंगे तो वो बहुत क्लियर है कि एवरी टाइम देयर इज अ हायर लो, उसके बाद एक हायर हाई बनता है। तो ये जो हायर लो हायर हाई वाला जो मामला है, ये एक मार्केट का नेचर है कि गिरेगा और ऊपर बढ़ेगा। तो अगर गिरेगा नहीं तो आपके पास 18,400 को लांगने की हिम्मत कहाँ से आएगी, क्षमता कहाँ से आएगी? सो घबराना तो बिल्कुल नहीं है, डरना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब बुखार सर्दी जुकाम एक एक जीवन का हिस्सा है और कभी ना कभी हफ्ता 10 दिन रहेगा, तो आपको उससे घबराना थोड़ी, आप ये थोड़ी कि आप सब कुछ काम काम बंद करके नौकरी छोड़ के बोलेंगे मैं तो 6 दिन से बीमार हूं, अब मैं कुछ नहीं काम करता। तो जी, काम तो करना है, लेकिन लेकिन इस समझ से करना है कि इसके बाद आप और मजबूत होके मार्केट को देखेंगे, और वो बिल्कुल मेरे हिसाब से होगा। हाँ, समय अवधि की बात कर, एक डिबेट अलग है कि कितना समय लग सकता है, पर जरूर डरना मना है, क्योंकि मार्केट आपको बहुत सुनहरे मौके इन्वेस्टमेंट के देगा और आगे चल के कमाई के, बांधने कमाई को बांधने के भी मौके मिलेगा।